दो घंटे में ना लगा तो ये गाड़ी भी सीज हो जाएगी और आम भी सीज हो जाएंगे। दोस्तों इस देश में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी ना कोई संस्था है, ना कोई पार्टी है, ना कोई कंपनी है और ना ही कोई इंडिविजुअल इंसान है जो सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रद्दी भर भी बदल सके। सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया, जो फैसला सुना दिया, उसके आगे कुछ भी नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया वही अंतिम होता है। दुकानों के ऊपर नेम प्लेट को लेकर जो बवाल चल रहा था, आपने देखा किस तरीके से उत्तर प्रदेश में पहले ये लागू किया गया, जिसके बाद उत्तराखंड में भी बताया गया कि उत्तराखंड में भी इसे लागू किया जाएगा, दुकानों के ऊपर नाम लिखना होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि किसी को नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही कोई दुकानदार, ना ही कोई ठेले वाला अपने दुकान के ऊपर अपने नाम लिखे और अपनी पहचान लिखे। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर एक वीडियो दिखाई देता है, जिसमें आप देखेंगे कि एक बुजुर्ग जो कि अपने ठेले पर, अपने रेड़ी के ऊपर फल फ्रूट बेच रहा है, लेकिन उसको किस तरीके से जाकर परेशान किया जा रहा है, जो कि ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होता है। वायरल वीडियो बताया जा रहा है यूपी गाजियाबाद का है। मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ, आप इस वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद आपको बताता हूँ कि दरअसल पूरी खबर क्या है। यहाँ पर नहीं, ऐसे लगाओ जो दिखे, अपने नाम के साथ में वोट लगाओ, बिल्कुल दो घंटे के अंदर। आपको पता है शासन आदेश हुआ, कांवड़ मार्ग पे सभी वोट लगाएंगे अपना अपना। दो घंटे में ना लगा तो ये गाड़ी भी सीज हो जाएगी और आम भी सीज हो जाएंगे। वोट क्यों लगाया आपने यहाँ पर, कोई आप कांवड़ मार्ग पे अपने नाम का वोट लगाया, बताया आपको नहीं शासन आदेश हुआ है। तो वीडियो देख लिया आपने, जहाँ पर एक बुजुर्ग मुसलमान अपने ठेले के ऊपर फल फ्रूट बेच रहा है, आप देख रहे हैं कि कैसे उनको परेशान किया जा रहा है कि अपने ठेले के ऊपर, अपने रेड़ी के ऊपर नाम लिखना होगा। अब ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया जाता है, जिसमें आप देखिए कि क्या कुछ लिखा गया, मोहम्मद जुबैर है, उसके बाद आप देखिए हारून खान नाम के एक यूजर है, वो भी इस वीडियो को ट्वीट करते हैं। बहुत सारे ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को पोस्ट किया गया, जिसमें देखने को ये मिल रहा है, बताया ये जा रहा है कि कुछ हिंदू संगठन के लोग जो उस बुजुर्ग के पास जाकर उसे परेशान किया जा रहा है कि इस ठेले में, इस रेड़ी के ऊपर आपको नेम प्लेट लिखना पड़ेगा, वरना उसे धमकी दिया जा रहा है। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद जो कुछ लिखा गया है वो तो आपने देख लिया, लेकिन लोग ये पूछ रहे हैं सवाल कि इनको ये हक किसने दिया, इन लोगों को किसने ये हक दिया कि कोई अगर सड़कों के ऊपर या फिर अपने होटल के अंदर कोई कुछ बेच रहा है तो इनको ये अधिकार किसने दिया कि वो ये लोग जाकर उनको फोर्स करेंगे कि आपको नाम लिखना होगा, आपको अपना पता लिखना होगा, आपको अपनी पहचान लिखनी होगी। दरअसल ये काम तो प्रशासन का था, जो सरकार ने आदेश दिया उस आदेश को इम्प्लीमेंट करवाने का काम प्रशासन का था, पुलिस प्रशासन का है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग है जो हिंदू संगठन के लोग बताए जा रहे है, यहाँ पर लोगों को जाकर परेशान कर रहे है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि किसी को नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही किसी को अपने पहचान बताने की जरूरत है, किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये अंतिम रोक लगाया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए ऐसे वीडियो निकल कर सामने आ रहे हैं जहां पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। इस वीडियो में, इस खबर के हवाले से जो कुछ भी आपको देखने को मिला है, उसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं आप अगले वीडियो में।